अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हिनो यूरो FM 2P। तो इसका एक जो फॉल्ट हो चुका था, तो वो तो मैं आगे इंजन की तरफ चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फॉल्ट हो चुका था। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसका जो है पंप टाइमिंग के बारे में बताएँगे कि पम्प टाइमिंग आप कैसे सेट कर सकते हैं ओरिजिनल तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये इसका इंजन है P11C, ठीक है, P11C इसका मॉडल नंबर है इंजन का। तो दिखाते हैं आपको। तो ये जी हमने सील डाली है ये वाली इसकी, ठीक है। तो ये इसमें सील डलती है और सील नंबर मैं बता दूं आपको, तो ये इसका पार्ट नंबर है सील नंबर, ठीक है। तो इसका हमने आपको दिखाना है कि टाइमिंग 2P गाड़ी का पंप टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है, ठीक है। जेन्युइन आपको दिखाएंगे कि इसका पंप टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है। बाकी हम फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके तो आपको इसका टाइमिंग दिखाएंगे। तो ये ऑयल सील वैसे हमने न्यू डाल दी है, तो ये इसकी पुरानी है, ये लीकेज हो रही थी, लीकिंग हो रही थी ऑयल की। तो खैर मैंने वैसे इसका पार्ट नंबर भी आपको बता दिया है, ये उसी की शक्ल है जैसे इसकी मेन सील है वैसे ही है। तो बहरहाल इसे जब भी बिठाया करें सीधी ही बिठाया करें, अगर सीधी नहीं होएगी तो ये दोबारा से लीकेज होने का चांस होता है। खैर हम इसकी मुकम्मल हम फिटिंग करेंगे, इसकी जो पंप प्लेटें हैं वो लगा के इंशाल्लाह इसका हम आपको टाइमिंग दिखाएंगे कि इसका पंप टाइमिंग ओरिजिनल तरीके से कैसे मिलाया जाता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको दिखाना है, तो इसे फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये जी माशाल्लाह फिटिंग हो चुका है, तो अभी जो है हम इसको टाइमिंग आपको दिखाते हैं। दियो जी इशारा दियो, हल्का और। ओ यार इशारा दियो यार, हाँ दियो इशारा और दियो और थोड़ा और। तो ये जी टाइमिंग आ गया इसका, सीधा हो गया। तो वैसे तो मैंने टाइमिंग सेट कर लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कैसे इसका टाइमिंग सेट किया जाता है। तो पहला नंबर जो है ये पिस्टन टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो पिस्टन टॉप पे कैसे पता चलता है, पीछे से अगर आप इसकी ये वाली प्लेट खोल लें, ये जो लगी हुई है मतलब फ्राई व्हील की, ठीक है। तो फ्राई व्हील की प्लेट खोलेंगे वहाँ से 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको भी नहीं देखते तो आप ये जो बुल्ट देख रहे हैं ये वाला सामने वाला, ठीक है, तो इसी को फ्रेम की तरफ करना है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है, इसको आपने फ्रेम की तरफ करना है। फ्रेम की तरफ करके जहाँ से ये लगता है, ठीक है, फिर जो है आप वेट का निशान देखेंगे, जैसे कि ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो वेट का निशान इसके बराबर करके तो इसका टाइमिंग बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताना था। चलो मारो सलाब मारो।